हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गुड न्यूज यहां पर आ रही है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब कि जिनका पीटी कंप्लीट होने के बाद डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब ये न्यूज कहां से आई है, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये एक इंटरनल नोटिस आप कह सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है सभी जोन के लिए। और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा टाइम टू टाइम रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। और उस रोजगार मेले में वो लोग क्या करते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज उस टाइम पे चल रही हैं उसके ज्वाइनिंग लेटर्स यहाँ पे बांटे जाते हैं। अभी लास्ट रोजगार मेले में सीजीएल के लेटर्स भी दिए गए थे, इवन कुछ पुराने जो रेलवे की भर्ती है उनके लेटर्स भी जो है ज्वाइनिंग लेटर्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे स्टूडेंट के बीच में। तो अभी ये वाला जो नोटिस स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा, इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कहा गया है सभी जोन में कि आप लोगों को जो अपना प्रोसेस है ज्वाइनिंग लेटर्स का वो प्रिपेयर रखना है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है एक रोजगार मेले का आयोजन होगा और उस रोजगार मेले में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो रेलवे की तरफ से होने वाले हैं। और आपको बताया कि रेलवे की तरफ से एनटीपीसी और ग्रुप डी की ही भर्ती चल रही है, तो एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में बांटे जाने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग कहा गया है कि आपको जो है 31 मार्च तक पूरी तैयारी कर लेनी है। जिन लोगों का डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है उनका पैनल वगैरह जो है वो जारी करके और ज्वाइनिंग लेटर्स को प्रिपेयर कर लेना है, ये इस इंटरनल नोटिस में कहा गया है। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिन स्टूडेंट का भी मान लो कि यहाँ पे जो है 20 मार्च से पहले पहले डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अनफिट में उनको नहीं रखा गया है, पेंडिंग में उनको नहीं रखा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में जो है उनका पैनल देके और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और ऐसा सभी जोन से हमें देखने को मिलेगा जहां पे भी डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अच्छी खबर यह है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका डीवी मेडिकल हो चुका है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो भी रोजगार मेले का आयोजन होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, उनका जो सपना है रेलवे में जॉब पाने का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो रोजगार मेला होगा उसमें बाकी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो अच्छी खबर है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है। बाकी यहाँ पे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके रिगार्डिंग मैंने कल एक एएलपी का वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। देखो, अगर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी एनटीपीसी में नहीं हुआ है तो एएलपी टेक्नीशियन आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी से उसके जो वीक पॉइंट्स हैं अपने उन पे काम करना स्टार्ट करोगे तभी जाके सिलेक्शन मिलेगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। बाकी आपका कोई डाउट कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह दिखाऊंगा, जब आपकी ज्वाइनिंग आती है उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट आते हैं तो उसमें क्या क्या भरना होता है, किस तरह से वो डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।